मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से शाहपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाहपुर विधानसभा के रैत में 2.9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कल्याण भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4.83 करोड़ रुपए की लागत से चंबी भनाला सकोह संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन, 10.03 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजना वितरण प्रणाली के सुधार कार्य और शाहपुर तहसील में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन चरण 2 के तहत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 5.07 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के सुधार कार्य की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से शाहपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का प्रसार रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया ताकि विशाल जनसमूह एकत्र ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार 27 दिसंबर 2020 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन 3 वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश भी प्रभावित हुआ है, परंतु सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जरूरतमंदों को 50,000 मास्क वितरित करने और मुख्यमंत्री कोविड फंड फॉर पीएम केयर्स फंड के लिए 14 लाख रुपए का अंशदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि जरूरतमंदों और पात्र व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोहो और मनई में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरोह में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालय लंच में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने पर भी विचार करेगी। मैं एक उद्घाटन और उद्घाटन के साथ 3 हमारे शिलान्यास विभिन्न योजनाओं के और जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए दे करके एक शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मैं आप सबको और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मिशन के अंतर्गत दूसरी योजना जो है जिसका शिलान्यास आज हमने 5.07 करोड़ की लागत से किया और इन सारी योजनाओं से उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान हमेशा के लिए होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूँ कि विभिन्न योजनाएं विकास की दृष्टि से जो शुरू की गई थी वो योजनाएं आगे बढ़ी हैं और जो योजनाएं शुरू करनी थी उन योजनाओं को शुरू किया गया और शुरू करने के साथ साथ में उनको मुकम्मल करने की दृष्टि से जो है वो सरकार काम कर रही है। इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत जो है अच्छी तरह से कोविड के कम मामलों में वहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत बहुत बेहतर ढंग से काम किया और जो बेहतर ढंग से जो काम किया उसमें आप लोगों ने अपनी जानकारी भी पहुंचाने में काम किया और उसके साथ में आप लोगों ने लगभग 50,000 मास्क वहाँ पर बांटे। आप लोगों ने वहाँ पर सहयोग देते हुए जो मुख्यमंत्री राहत कोष में भी सहयोग दिया, आपने कोविड फंड में भी सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर के 14 लाख के लगभग आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है पूरा सीएम कोविड फंड में और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में जो है आप सबका सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं और लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।